नमस्ते। 18th जनरल लोकसभा इलेक्शंस में 40 सीट्स लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रखने वाली बिहार से और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी फर्स्ट फेज में जा रही है, वो है जमुई। ये एससी कैटेगरी में आती है। जैन के अनुसार, हिस्ट्री बुक्स के अनुसार, ये जमुई मीन्स जाम्बी ग्रह। ये महावीर तीर्थंकर ने यहाँ पे ज्ञान पाया है, इसीलिए यह है इसको ऐसा करते हैं। मगर भारत देश को ही जम्बू द्वीप करते हैं। ये जमुई, ये जम्बू द्वीप, जाम्बा ग्रह बोले तो जो जो हम जामुन खाते हैं ये यहाँ पे ज़्यादा उगती है, इसीलिए देश को जम्बू द्वीप भी कहते थे। ऐसा ही यहाँ पे जैन तीर्थंकर ने ज्ञान पाया है, ये जैन की पुस्तक से मालूम पड़ती है। ये उज्जवलिया रिवर के पास स्थिति है ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। जमुई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बोले तो असेंबली सेगमेंट 164 टू 243 एंड में तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झज्जर और चकाई एक मिलकर असेंबली सेगमेंट बनती हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन एससी 17% है, एसटी 3.3%, मुस्लिम्स 12%, हिंदूज 88% है। तो अगर टोटल वोटर 17 लाख है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एससी 30,000 है, एसटी 58,000, मुस्लिम 1 लाख, रूरल 15 लाख, अर्बन ग्रेटर देन 1 लाख वोटर्स है। टोटल 2020 वोटर्स टर्न आउट 59% हुआ है। तो 2019 में चिराग कुमार पासवान फ्रॉम लोक जन सत्ता पार्टी, ये एक ग्रेजुएट है, इन्होंने जीता है। इन पर क्रिमिनल केस एक है। 2024 कैंडिडेट लिस्ट हम देखें तो एनडीए यानी लोक जन सत्ता पार्टी का अरुण भारती पोस्ट ग्रेजुएट है, क्रिमिनल केस नहीं है। इंडी पार्टी का आरजेडी से मेंबर आ रही है अर्चना कुमारी, पोस्ट ग्रेजुएट, क्रिमिनल केस एक है। लोक सामाजिक न्याय पार्टी नो क्रिमिनल केस। बीएसपी सकला दियो दास 12th पास, नो क्रिमिनल केस नो। इंडिपेंडेंट शुभन पासवान लिटरेट नो क्रिमिनल केस। राष्ट्रीय संभवा पार्टी ग्रेजुएट नो क्रिमिनल केस। ऐसा अगर कास्ट लिस्ट देखें तो यादव 17% है, मुस्लिम्स 11%, सिंह 9%, पासवान 3, कुमार 3। इसीलिए ये एससी कैटेगरी में आई है। तो जनता से मैं अपील करती हूँ, स्ट्रांग लोकसभा मेंबर को यहाँ से भेजिए। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में आप लोग भी बाहर आकर वोट कीजिए। यहाँ पे 59% ही वोटेज है, इसको और बढ़ाना है, प्लीज़ बाहर आकर वोट दीजिए। और एक वीडियो में मिलने तक जय हिंद, जय भारत।